हेलो गाइस, हाउ आर यू फ्रेंड्स। दिस इज़ दी एनसीईआरटी सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ क्लास 10th। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो आपकी क्रांति थी वो जगह जगह हो रही थी, और 1839 से लेकर और 1848 तक के बीच जो भी इवेंट्स हुई थी, क्रांतियाँ हुई थी वो, और 1830 का जो टाइम पीरियड था वो यूरोप में हंगर, हार्डशिप और का बहुत ही प्रॉब्लम वाला टाइम पीरियड था। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उसके विरोध में जगह जगह आपके रिवॉल्ट हो रहे थे। फूड वगैरह की शॉर्टेज हो गई थी और भी बहुत सारे रीजन थे, तो इसलिए जो आपके रिवॉल्यूशनरी थे वो क्रांति कर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए जो लुई फिलिप्स था, उसने कुछ नेशनल असेंबली के थ्रू एक रिपब्लिक राज्य की स्थापना की और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि मेल के लिए 21 इयर्स के लिए राइट टू वोट का राइट के अधिकार की घोषणा कर दी। हालांकि दिए नहीं गए थे काम की घोषणा। इसके अलावा एक आपका सिलेसिया था, वहाँ के गाँव में बच्चों काफ़ी टाइम से रिवॉल्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वीवर्स थे उन्हें बहुत ही कम पेमेंट मिलता था, तो फिर इसी वजह से उन्होंने जो आपके कॉन्ट्रैक्टर थे उनके हाउस पर अटैक कर दिया, उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया, लूट भी लिया कुछ, और फिर उनको भागना पड़ा। लास्ट में फिर फाइनली इस क्रांति को शांत कराया गया आपके आर्मी के इंटरफेयर से। और फिर साथ ही साथ बच्चों, हमने एक 1848 की रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था, जो कि लिबरल्स द्वारा हुई थी। और ये जो लिबरल्स द्वारा जो क्रांति हुई थी बच्चों, उसमें जो आपके लिबरलिज्म थे वो चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रेस पर उनका फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट्स होना चाहिए, और उन्हें फ्रीली कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए जो आपके लिबरल जो पीपल थे वो भी क्रांति कर रहे थे जर्मनी के अलग अलग पार्ट में। और फिर साथ ही साथ जर्मन जो कि छोटे छोटे पार्ट में रीजन में डिवाइड था, उसको एक बड़े जर्मनी कंट्री में को मतलब एक बड़ा जर्मनी कंट्री बनाने के लिए टाइम टू टाइम असेंबली जो थी वो हेल हो रही थी। एक असेंबली ऐसी ही आपकी फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी, जहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने राजा को जो कि विलियम फोर्थ किंग जिसका नाम था, उसको एक इलेक्टेड असेंबली का मेंबर बनाने का डिसीजन ले लिया और उसके हाथ में पावर को डिसाइड कर दिया। लेकिन उसने इस बात को कहते हुए मतलब उस असेंबली को रिजेक्ट कर दिया कि जो राजा है वो असेंबली के अधीन होकर या अंडर में होकर काम नहीं करेगा। इस वजह से असेंबली भंग हो गई थी। और फिर कुछ बच्चों जो वुमेन्स थी वो भी अपने उनको राइट्स नहीं मिले थे, तो वो भी अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी। और ये इन सभी चीज़ों के लिए टाइम टू टाइम आपके संघर्ष हो रहे थे, रिवॉल्ट हो रहे थे। तो इस स्थिति को देखते हुए जो कंजर्वेटिव्स जो गवर्नमेंट थी आपकी मोनार्की, उसने कुछ राइट्स जो कि आपके लिबरलिज्म और जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्हें दे दिए, और उन्होंने सर्फडम और बाउंड्री लेवर जैसे कुछ पुराने जो सिस्टम थे उनको ख़त्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट हियर द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो आपका जर्मनी है और इटली है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। जर्मनी कैन दी आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, मतलब जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माण जो है वो कर सकती है? मतलब बच्चों, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद जो आपके
यूरोप में जो राष्ट्रवाद था बच्चों, उसने अपना संबंध डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से फिनिश कर लिया, मतलब अलग हो गए उनके विचार। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेट ओवर यूरोप। जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो बच्चों कंजर्वेटिव द्वारा आगे बढ़ाई गई, ताकि जो स्टेट की पावर है उसको बढ़ाया जा सके और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो सके कंजर्वेटिव्स का। इसलिए कुछ नेशनलिस्ट की सेंटीमेंट्स कंजर्वेटिव्स द्वारा भी पूरे यूरोप में फैलाई जा रही थी। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। और बच्चों ये सब देखा जा सकता था एक प्रोसेस के द्वारा, वो प्रोसेस जो कि जर्मनी और इटली को एक साथ जोड़कर एक नेशन स्टेट बनाने का था। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन हु इन 1848 ट्राइड टू यूनिटी द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इन टू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। और जैसा कि बच्चों आप देख चुके हो कि जो राष्ट्रवादी भावना थी वो आपके मिडिल क्लास जर्मन लोगों में फैली थी, और वो जो कि 1848 में उन्होंने कोशिश की थी कि जो आपका जर्मनी था वो छोटे छोटे रीजन में बिखरा हुआ है उसको एक करने की और एक नेशन स्टेट बनाने की और वहाँ पर एक ऐसी सरकार स्थापित करने की जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट की गई हो। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। और ये जो बच्चों उदारवादी जो पहल थी नेशन स्टेट बनाने की, उसे दबाया गया था आपका आर्मी की, मोनार्की की फोर्स द्वारा और मिलिट्री द्वारा। लिबरल उदारवादी भावनाओं को दबाया गया और सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर ऑफ पर्सिया। और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने में जो आपके बड़े बड़े जो जमींदार थे पर्सिया के, उन्होंने भी सपोर्ट दिया था। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और फिर बच्चों आपका जो पर्सिया था उसके पास जो नेशनल यूनिफिकेशन यानी कि एक राष्ट्र को एक करने की जो जिम्मेदारी थी वो आ गई, यानी कि मूवमेंट चलाने के लिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्सिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और पर्सिया का जो चीफ मिनिस्टर था बच्चों ओटोमन बिस्मार्क, वो यानी कि इस प्रक्रिया का निर्माता था और उसने पर्सियन आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इस काम को आसान किया, मतलब किस काम को, जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने का। थ्री वॉर ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्सिया विक्ट्री एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इन जनवरी 1871 द पर्सिया किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरामनी हेल्ड एट वर्सटाइल। और बच्चों 7 साल के अंदर, मतलब पर्सिया की लड़ाई हुई थी 7 साल तक, और 7 साल में पर्सिया ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, किसके साथ, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और वो जो लड़ाई थी वो लास्ट में पर्सिया की जीत पर ख़त्म हुई थी, यानी कि पर्सिया की जीत हुई और जर्मनी जो कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था, छोटे छोटे आपके रीजन में, अब उसको एक यानी कि एक राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण कर दिया गया था, उसका यूनिफिकेशन कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया, उसे जोड़ दिया गया और एक विशाल आपका कंट्री बना दिया गया। कब बच्चों हुआ था ये सारा कुछ, मतलब ये प्रोसेस कब पूरी हुई, जनवरी 1871 में। और जो पर्सिया का किंग था आपका विलियम फर्स्ट, उसे जर्मन एम्परर जो है वो घोषित किया गया, कहाँ पर, यानी कि वर्सटाइल जो कि महल था
वहां पर। नेक्स्ट बच्चों, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपोर्टेंट पर्सियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ द वर्सटाइल टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया। और अगर बात करें तो बच्चों 18 जनवरी 1871 की मॉर्निंग की, मतलब एक मॉर्निंग थी और बहुत ज़्यादा ठंडी सुबह थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी 18 जनवरी 1871 को, और एक असेंबली जो थी वो बच्चों हुई थी, और उस असेंबली में आपका जर्मन स्टेट के जो प्रिंस थे, जो रियासतें थी जर्मनी में पहले छोटी छोटी, उनके जो आपके राजा थे उन्होंने हिस्सा लिया था, और आर्मी के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, और कुछ इम्पोर्टेंट पर्सियन मिनिस्टर जो थे वो भी आए थे, जिसमें आपका पर्सिया का चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क जो था वो भी इकट्ठा हुआ था। कहाँ पर? यानी कि वर्सटाइल का जो महल था आपका, हॉल ऑफ मिरर जिसे कहा जाता था, और बहुत ही ठंडा था वहाँ, ये सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने नए जर्मन एम्पायर के लिए मतलब बच्चों जो कैसर विलियम, पर्सिया का जो कैसर विलियम फर्स्ट था उसकी लीडरशिप में जर्मन एम्पायर जो है वो नया मतलब कंट्री बनाया गया। बच्चों बाकी इन्होंने क्या क्या काम किए थे वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ। दी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दी डोमिनेंस ऑफ पर्सिया स्टेट पावर, दी न्यू स्टेट पैलेस्ट आ स्ट्रॉन्ग इम्पेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग दी करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और बच्चों जर्मनी में जो आपके नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में प्रासा राज्य की ताकत के प्रभुत्व को दर्शाता था, यानी कि जो आपका जर्मनी जो नया राष्ट्र बना था तो उसको बनाने में प्रासा जो था उसका महत्वपूर्ण सहयोग था, और नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और जो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था थी उनके आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया कि इस सिस्टम, पुराने सिस्टम को हटाया जाए और नई तरीके से इनको सेट किया जाए। पर्सिया मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफ इन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। बच्चों पर्सिया द्वारा जो भी तरीके और कदम अपनाए गए थे जर्मनी के लिए, वो और जर्मनी वासियों के लिए एक मॉडल का रूप बने। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो साइड से कि यहाँ पर जर्मन जो आपका वर्सटाइल का महल है वहाँ पर जर्मन एम्पायर की घोषणा की गई है। ओटोमन वॉर्नर जो है वो सेंटर में है, और आपका कैसर भी है और चीफ कमांडर भी है आर्मी के, और बिस्मार्क भी है, और मॉन्यूमेंटल वर्क ये वॉज कम्प्लीट दी प्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ बिस्मार्क। मतलब ये वो हॉल है जहाँ पर आपके जो जर्मनी के छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको मिलाकर एक बड़ा कंट्री यानी कि जर्मनी बनाया गया था। और ये जो पिक्चर्स है बच्चों वो बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर जो चित्रकार था उसने उन्हें भेंट की थी। नेक्स्ट बच्चों इटली यूनिफाइड। अब बच्चों पहले आपने पढ़ा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, जर्मनी कैसे बना, अब इटली जो है वो कैसे बना था वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। बच्चों जर्मनी की तरह ही बच्चों जो जर्मनी की तरह ही इटली भी बहुत सारे राजनीतिक छोटे छोटे पार्ट्स का एक लंबा इतिहास है, यानी कि जो इटली था वो भी आपके छोटे छोटे राजनीतिक खंडों में
बटा हुआ था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनामिक स्टेट एज वेल एज मल्टीनेशनल हम्सवर्ग एम्पायर। और जो इटालियंस थे बच्चों, वो आपके फैले हुए थे कई सारे डायनेस्टिक में, यानी कि वहाँ पर कई सारे जो वंश थे वो राज्य कर रहे थे, साथ साथ बहुत सारे आपके बहुराष्ट्रीय हैम्सवर्ग एम्पायर का भी वहाँ पर रूल था। कहाँ पर? जर्मनी, सॉरी इटली में। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। और 19th सेंचुरी के मिडिल में जो इटली था उसे 7 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था, ऑफ विच ओनली वन सिलेसिया पेडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। और सिर्फ एक बच्चों आपका सर्डिना पेडमोंट जो था उस पर रूल्ड था आपके एक इटली के प्रिंसली हाउस का, बस। बाकी इटली पर जाने कौन कौन अदर जो कंट्री थे आपके वो रूल्ड कर रहे थे, सिर्फ सर्डानिया पेडमोंट जो कि इटली के ही अंडर कंट्रोल में आता था वहाँ पर ही एक उनके राजा का रूल्ड था। दी नॉर्थ वॉस अंडर वॉस ऑस्ट्रियन हैम्सवर्ग। और इटली के नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैम्सवर्ग का अधिकार था। दी सेंट्रल वॉस रूल्ड बाय दी पोप। और इटली के सेंट्रल में जो पोप लोग थे चर्च वगैरह के वो रूल्ड करते थे, और साउथर्न रीजन में आपके स्पेन के जो वर्वन किंग्स थे राजतंत्र वो उन्होंने कब्जा किए हुए था। इस तरह से इटली आपका डिवाइड था। इवन दी इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और बच्चों वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर थे वो रूल कर रहे थे, इसलिए जो आपकी इटालियन लैंग्वेज थी वो एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, मतलब सभी वहाँ पर इटली लैंग्वेज नहीं बोलते थे, और हर एक रीजन में तरह तरह की लैंग्वेज जो थी वो बोली जाती थी। ड्यूरिंग दी 1830s जिसेपी मैजनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम ऑफ अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। बच्चों 1830 के आपके दशक में जो जिसेपे मैजनी था उसने एकीकृत यानी कि संयुक्त इटावली गणराज्य के लिए एक जो विचार था उससे संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। किसने? जिसेपे मैजनी ने, मतलब इटली के निर्माण के लिए कुछ विचार जो थे उसके मन में आए थे और उनको उसने आगे उन पर काम करना शुरू किया था। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। और बच्चों उसने एक सीक्रेट यंग इटली जो थी वो बनाई थी अपने गोल्स को, मतलब आगे ले जाने के लिए या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अप राइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन्ट डेट द मेंटल नाउ फेल ऑन सर्डानिया पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाइड द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर। और इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो 1831 से आपका 1848 में जो आपकी क्रांतिकारी जो विद्रोह हो रहे थे वो असफल हो गए, और इसी के साथ ही आपके इटावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब सर्डानिया पिडमोंट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय उस पर आ गई थी। इन दी आईज ऑफ दी रूलिंग इलेट्स, इलेट्स बच्चों अभिजात वर्ग जैसे जमींदार जो कि काफ़ी संपन्न वगैरह होते हैं, मतलब समाज के तबके के संपन्न वर्ग वो इलेट्स कहलाते हैं। ऑफ दिस रीजन आ यूनिफाइड इटली ऑफर देम दी पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और इस रीजन के जो मतलब सर्डानिया पिडमोंट क्षेत्र के जो शासक थे
वो बच्चों अभिजात वर्ग के थे और उनकी नजरों में एक एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न कर सकता था, वो ऐसा सोचते थे सार्डानिया पिडमोंट्स के जो लोग थे। तो इसलिए उन्होंने इटली को एकीकृत यानी कि जोड़ने का निर्णय लिया था या एक कंट्री बनाने का। नेक्स्ट बच्चों, चीफ मिनिस्टर केवर हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाइड द रीजन ऑफ इटली वॉज नाइथर आ रिवॉल्यूशनरी नॉर आ डेमोक्रेट, और इसका मंत्री जो कि जिसका नाम कैबुट था, उसने इटली के प्रदेशों को जो इटली के जो क्षेत्र थे उनको जोड़कर अंडो जो मतलब उन सबको जोड़ा और मूवमेंट्स जो था वो आगे बढ़ाया। लाइक चीफ मिनिस्टर कैवर जो था उसने इटली के छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ा था और क्या कहते हैं जो आंदोलन जो कि बंद हो चुका था रिवॉल्यूशनरी द्वारा, अब उसने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन इलेट्स ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, और बहुत सारे आपके इटालियन अभिजात वर्ग के बहुत सारे लोग जो कि वेल्थी और एजुकेटेड मेंबर थे बच्चों, और साथ ही साथ के जो लोग थे वो इटली में रहते थे लेकिन इटली को अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे। ऐसा ही बच्चों ये आपका कैबुट था जो कि वह इटावली भाषा से कहीं अच्छी आपकी फ्रेंच बोलता था, वैसे ही जैसे कि वहाँ के जो काफ़ी अमीर लोग थे वो आपके फ्रेंच ज़्यादा अच्छी तरह से बोलते थे, वैसे ही कैबुट भी आपका फ्रेंच ज़्यादा अच्छी तरह से बोलता था इटली लैंग्वेज की अपेक्षा। थ्रू आ ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर बाय कैबर सार्डानिया पिडमोंट सक्सीस्ड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। और बच्चों जो कैबर था उसने फ्रांस से एक कूटनीतिकपूर्ण संधि की थी और जिसकी वजह से जो फ्रांस था उसने अपनी जो सेना थी वो इटली से हटा ली थी, और फिर जो सार्डानिया पिडमोंट था उसने ऑस्ट्रिया को जीत लिया कब, 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉल्टियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जिसेपे मैजनी जॉइंड द फ्रे, और इसके अलावा बच्चों सेना के अलावा और बहुत सारे लोग जो कि आर्मी में जाने के इच्छुक थे वो उस उन्होंने भी मतलब इटली को एक नेशन बनाने में सपोर्ट दिया था, और वो लोग उन लोगों ने जो जिसेपे गैरिबाल्डी था उसकी लीडरशिप में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इन 1860 दे मर्च्ड इनटू साउथ एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलेशिया एंड सक्सीस्ड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। और 1860 में गैरिबाल्डी वगैरह और लोग जो थे जो कि उनके साथ मिल गए थे वो सब दक्षिण इटली की तरफ बढ़े और टू सिलेसिया के राज्यों में भी उन्होंने प्रवेश कर लिया था, और जो स्पेन के जो शासक थे जो कि इटली में शासन कर रहे थे उनको हटाने के लिए इन लोगों ने वहाँ के जो लोकल किसान थे उनका समर्थन लिया था। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और फिर बच्चों 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बना दिया गया था। ओके, हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई, और बच्चों जो इटालियन मतलब इटली की जो पॉपुलेशन थी जिनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो अनपढ़ थे, रिमेंडेड
ब्लीजफुल अनबियर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, वो आपकी लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की विचारधारा से परिचित नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे कि ये खींच के आए और ये लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। बस उन्होंने ऐसे ही मतलब वहाँ सपोर्ट कर दिया था क्रांति में। द पीसेंट मास हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउथर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव द ला टेलिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। और जो किसान थे आपके इटली के जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था साउथर्न इटली को फ्री कराने में, उन्होंने कभी भी इटालिया नाम नहीं सुना था, मतलब इटली का ही नाम नहीं सुना था उन्होंने। और उनका विश्वास था कि जो ला टालिया है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।